पुलिस ने 50 लाख की शराब समेत 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से मंगवाई गई थी शराब की खेप। पटना मध्य निषेध टीम की गुप्त सूचना के आधार पर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। मौके से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक पर लोड शराब पश्चिम बंगाल से मंगवाई गई थी और उसे बिहार के समस्तीपुर में डिलीवर करना था। गिरफ्तार शराब तस्करों से पुलिस पूछताछ कर अन्य शराब माफियाओं की जानकारी ले रही है। मनियारी के दरोगा के मुताबिक पटना मध्य निषेध टीम ने गुप्त सूचना दी थी कि बंगाल से शराब लदी हुई एक ट्रक आ रही है जो मुजफ्फरपुर के रास्ते समस्तीपुर जाएगी, जिसके बाद घेराबंदी करके मनियारी थाना और पटना मध्य निषेध की टीम द्वारा पकड़ा गया। ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी। 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब्त शराब की गिनती भी जारी है। अधिकारी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुजफ्फरपुर से बंगाल से चल के एक ट्रक आ रही है जो मुजफ्फरपुर समस्तीपुर की ओर जाएगी। टीम को द्वारा सूचना दी गई कि इसको घेराबंदी करिए, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। दोनों टीम के माध्यम से एक ट्रक जब्त किया गया जो बंगाल नंबर, उसमें 3 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। छानबीन की जा रही है। तहखाना इसमें बना हुआ था। खोल के देखने पर शराब बरामद हुआ जो काउंटिंग की जा रही है। विशेष लोगों की पूछताछ की जा रही है। उसके बाद कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी है सर? इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो पूछताछ की जा रही है और टेक्निकल सर्च के माध्यम से इसकी छानबीन की जा रही है। जो आगे की जो भी सूचना प्राप्त है उस पर छापेमारी की। कितने कार्टून शराब बरामद हुई है? इसकी काउंटिंग की जा रही है।